This call is now being recorded. चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सेकंड चैप्टर दैट इज हाउ टू फर्म मैनेज फाइनेंशियल रिस्क. अब ये चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इसमें मैक्सिमम वन क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, बट बेसिक्स है नेक्स्ट चैप्टर का, तो अच्छे से करना. इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर में गवर्नेंस है ना, उसका एकदम उससे लिंक्ड है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना. अब इसमें सबसे पहले मुझे कोई बताओ कि फोर वे डिसीजन हमने पढ़ा था, वो किसी को पता है क्या होता है? पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में नहीं, मतलब पिछले चैप्टर में. अवॉइड रिटेन माइग्रेट और ट्रांसफर. हाँ करेक्ट. तो ये चार तरीके हो सकते हैं. अगर किसी भी फॉर्म हर्ष पूछा था ना आपने कि इसका बेसिक क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि ये चैप्टर किस चीज पे, मतलब किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है. तो सबसे पहले तो हमारे पास रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उस रिस्क का क्या करेंगे, तो उसको चार पोर्शन में डिवाइड करते हैं. या तो सबसे पहले होता है अवॉइड कर सकते हैं, तो अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम वो रिस्क को नहीं लेंगे. सेकेंड होता है कि वी कैन रिटेन द रिस्क. अगर हम रिस्क को रिटेन करेंगे तो अगर मतलब हम रिस्क को ले लेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, फिर अगर हमने रिटेन करा तो हम क्या करेंगे, या तो फिर जो रिस्क ली हम उसे मिटिगेट करने का ट्राई करेंगे, या तो हम उसे कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे. मिटिगेट करना मतलब जो रिस्क हमने ली है उसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे या तो एलिमिनेट करेंगे, कंप्लीटली एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे. बट ये करना इज मतलब ये करना मुश्किल है, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं हम कुछ स्ट्रेटजीज करके. या तो अगर हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम पूरा मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाए और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो कोई छोटा फर्म होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देगा. जैसे वो क्या करेगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि मैं आपको रेगुलर इंटरवल्स में प्रीमियम दूंगा एंड आप उस बेसिस पे आपको प्रीमियम दूंगा, एंड कभी इन केस जो रिस्क हमने सोचा है, इन केस वो रिस्क कभी आ गई तो आप उसे हैंडल कर लेना, जो भी होगा आप उसे अच्छे से हैंडल कर लेना, तो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर लेटर. तो हम यहाँ पे उन चारों चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. समझ में आया सबको किस चीज के ऊपर लिंक्ड है पूरा चैप्टर? ओके हर्ष, समझ में आया आपको? हाँ मैम. ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हमने पहले देख लिया, उसके अंदर और डिटेल में जाएंगे. ठीक है, वी विल क्लियरली डिफाइन द इंटरनल गोल ऑफ दिस प्रोसेस. फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि हमें हमारी फर्म को कितनी रिस्क लेनी चाहिए, कितनी रिस्क लेनी चाहिए. इसको हम लोग इसको ये टर्म से बोलते हैं, रिस्क एपेटाइट, बहुत यूज होगा आगे. ठीक है, रिस्क एपेटाइट के टर्म से लेना चाहिए, यहाँ पे आगे जाओगे ना तो पता चलेगा. और फिर हम देखेंगे कि रिस्क एक्सपोजर्स को कैसे मैनेज करना है, फिर हम हेजिंग कैसे करेंगे, हेजिंग के क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, फिर फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में सीखेंगे, और फिर जो भी इम्पैक्ट होता है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट के जो टूल्स होता है इनका जो भी इम्पैक्ट होता है उस सबके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम हमारी पहली मॉड्यूल से चालू करते हैं. वी विल ट्राई कि आज पहली मॉड्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाए 75%. सबसे पहले है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट. अब कॉर्पोरेट में सबसे मेन कौन से, सबसे मेन डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब सबसे मेन रोल्स कौन से होते हैं बताओ? प्रोडक्शन नहीं, मेन रोल्स मतलब मेन रोल्स क्या होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग मेन होते हैं ना, यही लोग डिसाइड करते हैं कि आगे कंपनी में क्या, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, सब यही डिसाइड करेंगे. समझ में आया? देखो कोई कंपनी है, ठीक है, एनी कंपनी, इसके मेजर डिसीजंस कौन लेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे जिसके अंदर आया जाएगा सीआरओ, सीईओ, ये सब लोग आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, और जो और इनके साथ ये लोग लेंगे, ये लोग ये डिसीजन लेंगे सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलके लेंगे. तो ये दो टर्म्स याद रखना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि एग्जाम में वो लोग पूछेंगे, वो लोग आपको कुछ भी दे देंगे कि क्या ये दो टीम बैठ के पूरी रिस्क मैनेज करती है, तो नहीं, लेकिन रिस्क के अंदर ये दो जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये दो सबसे मेजर है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब डिसाइड करता है,
और फिर सीनियर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करता है और आगे लोगों को बोलता है कि कैसे करना है. तो दैट इज वे सीनियर मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रेटजीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. तो सबसे पहले तो फोर डिफरेंट रिस्क मैनेज करने की स्ट्रेटजीज है. सबसे पहला हुआ कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं रिस्क को या तो हम अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को. अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो इधर वी विल मिटिगेट या तो वी विल ट्रांसफर द रिस्क. अब इसको पूरा डिटेल में आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजी सिलेक्शन. तो ये जो भी स्ट्रेटेजीज बनती है कि हमें रिस्क लेनी है हमें रिस्क नहीं लेनी है, ये सबके डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाते हैं. वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि हमारी कंपनी कितनी रिस्क ले सकती है और कितनी कितनी रिस्क नहीं ले सकती. तो वो एक जो नंबर होता है ना उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि रिस्क लेना है या रिस्क नहीं लेना है. तो सबसे पहला होता है कि फर्म डिसाइड करेगी. मतलब ऐसा सोचते हैं कि फर्म ने सोचा है कि चलो एक्सेप्ट द रिस्क. तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, फर्म हमेशा उसी रिस्क को एक्सेप्ट करेगा जो उसे पता है, और उसे पता है कि हाउ कैन वी हैंडल द रिस्क. इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्म या फिर कंपनी विल ऑलवेज एक्सेप्ट द नोन रिस्क. ये याद रखना, ऑलमोस्ट हर टाइम वो लोग नोन रिस्क होगी ना तो ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाउ टू हैंडल द रिस्क. अभी इसमें देखो पहला रीजन बोला है कि व्हाई विल अ फर्म रिटेन द रिस्क. तो इसका क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो जो हमारी रिस्क है उसका बहुत स्मॉल इम्पैक्ट हो हमारे फर्म पे, इसलिए उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारे फर्म को ज्यादा लॉस नहीं हो तो हम लोग उस रिस्क को रिटेन कर लेंगे. और फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इन्वेस्टर या फिर ओनर्स जो स्टेक होल्डर्स है वही चाहते हैं कंपनी के कि कंपनी इस रिस्क को रिटेन करे. स्टेक होल्डर्स क्यों चाहेंगे कि कंपनी रिस्क को रिटेन करे, क्या कोई बताएगा मुझे व्हाई विल स्टेक होल्डर्स थिंक लाइक दैट? कोई पॉलिसी ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो तो करेक्ट. अगर कोई स्टेक होल्डर बोलता है कि आप रिस्क लो, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा रिस्क लेंगे तो दे विल गेट मोर रिटर्न्स. एक ये एक चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे ओनर्स ऑफ गोल्ड माइन में डायरेक्टली वांट डायरेक्ट एक्सपोजर टू मार्केट प्राइस मूवमेंट्स ऑफ गोल्ड. तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली मार्केट प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ही लेंगे, क्योंकि उसके उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा. और थर्ड रीजन होता है कि पोटेंशियली रिटेन अ रिस्क इज पोटेंशियली रिटेन अ रिस्क बिकॉज द कॉस्ट कैन बी प्राइज इन टू फर्म्स प्रोडक्ट एंड पास्ड अलॉन्ग टू कस्टमर्स. इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कोई एयरलाइंस है, समझो इंडिगो है, या नीचे आई थिंक मैंने लिखा, तरी कर देती हूँ, समझो इंडिगो है. तो इंडिगो क्या करेगा, इंडिगो ये जो फ्यूल के प्राइसेस है, फ्यूल के प्राइसेस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको रिस्क है कि ये जो फ्यूल के प्राइसेस ये बढ़ जाएंगे, तो जो कस्टमर्स होंगे ना उनके टिकट के अंदर ये लोग फ्यूल के चार्जेस भी इंक्लूड कर देंगे. कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा लेकिन ये जो फ्यूल के चार्जेस है ना वो इसके टिकट के अंदर इंक्लूड कर देंगे, टिकट प्राइसेस के अंदर. हमें पता नहीं चलता लेकिन वो लोग इस तरह की स्ट्रेटेजीज करते हैं जिसकी वजह से जो उनको रिस्क है ना वो रिस्क कस्टमर के पास ट्रांसफर हो जाए और उसकी वजह से उनको कोई भी लॉस ना हो. तो समझ में आया ये एक्सेप्ट द रिस्क करने का मतलब क्या होता है? एक बार यहाँ तक रीड करो, इधर से लेके इधर तक 2 मिनट का टाइम देती हूँ, एक बार रीड करो देन आगे बढ़ते हैं. ये एग्जाम्पल याद रखना इंडिगो वाला, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम्पल. एयरलाइंस का बहुत ऐसा एयरलाइन के एग्जाम्पल वो पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक बार लर्न कर लेना ये वाला. फाइव फिफ्टीन तक टाइम दे रही हूँ, पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं.
करें कंटिन्यू। देवान शर्ष हो गया रीड करके। चलो नेक्स्ट क्या होगा। फर्म कैन इवन अवॉइड द रिस्क। ठीक है, फर्म अवॉइड क्यों करेगा रिस्क को? ऐसा हो सकता है, ऊपर मैंने क्या बोला कि नॉन रिस्क होगी तो फर्म चाहेगा कि हम इस रिस्क को रिटेन कर लेते हैं। अब कोई रिस्क ऐसी हो सकती है कि जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं आती हो, एकदम ही अलग हो, और फर्म में किसी ने भी कभी इस तरह के रिस्क को हैंडल नहीं किया हो, तो फिर रिस्क टीम क्या बोलेगी कि लेट अस जस्ट अवॉइड दिस काइंड ऑफ रिस्क। इसलिए यहाँ पे दे हैव रिटन दैट बिजनेस रिस्क इज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल रिस्क टू अवॉइड। कभी अगर ऐसे रिस्क ली नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस रिस्क को लेने से कुछ खास ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा हो और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही हो, तो क्या करेंगे? वी विल नॉट टेक सच काइंड ऑफ रिस्क। अब इसके अंदर क्या है, दिस माइट मीन कम्प्लीटली स्टॉपिंग एक्टिविटी इन अ बिजनेस यूनिट। अब क्या करेंगे, अगर कोई रिस्क है जो हम नहीं ले रहे, तो वो रिस्क अगर नहीं ले रहे तो जो बिजनेस यूनिट इसके अंदर ऐसे चल रहा होगा जिसकी वजह से ये रिस्क आ रही होगी, तो हम वो बिजनेस यूनिट को कम्प्लीटली बोलेंगे कि स्टॉप कर देते हैं, हम इसे चलाते ही नहीं इस तरह का यूनिट जिसकी वजह से हमारे पूरे बिजनेस के ऊपर कोई रिस्क आने के चांसेस रहे। फॉर एग्जाम्पल, सम बिजनेस रिटेन ऑपरेटिंग यूनिट्स विथ वेरी अनकनेक्टेड पर्पसेस। अब जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, ये एक एग्जाम्पल है। मैं नीचे को ले रखा है इसका, जस्ट अ मिनट थी, नहीं है, चलो ठीक है, हाँ सही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम बिजनेस रिटेन ऑपरेटिंग यूनिट्स विथ वेरी अनकनेक्टेड पर्पस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई जनरल इलेक्ट्रिक है। फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-09 में क्या हुआ, ये जनरल इलेक्ट्रिक था ना, इसने कोई तो फाइनेंशियल सर्विसेज बंद कर दी देनी। क्यों बंद करी देनी? क्योंकि क्योंकि ये जो जो इनका ऑपरेटिंग यूनिट्स था ना, इसके जो फाइनेंशियल सर्विसेज थे, जस्ट अ मिनट, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इधर। देख इधर से एक्सप्लेन करती हूँ, एक इजी एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वो एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जैसे कोई बिजनेस है, वो एक ऑपरेटिंग यूनिट है उसके पास है। अब क्या हो रहा है, ये ऑपरेटिंग यूनिट की वजह से ना उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी वजह से उसकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। ठीक है, इसकी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग अ लॉट, तो वो क्या करेंगे, और इसकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क भी बहुत आ रही है, तो रिस्क भी बढ़ रही है, और रिस्क भी बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, व्हाट कैन द फर्म डू कि अवॉइड हो जाएंगे? कोई बताओ तो सही। टफ है ये, मैं इसलिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, डिसबैंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो किसी को सेल कर देंगे। ठीक है, वो किसी भी कोई दूसरे बिजनेस को सेल कर देंगे, तो क्या होगा, इनकी जो बिजनेस है, इनके बिजनेस में से ये रिस्क हट जाएगी, तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, और जो कॉस्ट था वो कॉस्ट भी बच जाएगा। इसलिए इस तरह ये एक एग्जाम्पल है जस्ट कि ये रिस्क को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेम बोला है, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक थी ना, जनरल इलेक्ट्रिक आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस नोशन। ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-09, देयर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस यूनिट कॉज ट्रेमेंडियस पेन। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस यूनिट था ना, ये इनको बहुत पेन दे रहा था, इन द सेंस बहुत ज्यादा रिस्क दे रहा था, जिसकी वजह से इनको लॉस बहुत बढ़ गया। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट रियलाइज दैट फाइनेंशियल रिस्क नीडेड टू बी सोल्ड टू अवॉइड द रिस्क टू देयर कोर बिजनेस यूनिट। समझ में आया? यहाँ पे देखो, इधर भी इन लोगों ने फाइनेंशियल रिस्क को सेल कर दिया कोई और ही बिजनेस को, तो जो इनकी कोर रिस्क थी बिजनेस की वो हट गई। आया समझ में सबको?
तो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, थर्ड क्या है, अगर आपने रिटेन कर ली रिस्क को, तो आप ऑफ कोर्स हर कोई ट्राई करेगा कि वी शैल मिटिगेट द रिस्क या फिर हम उसे एलिमिनेट कर दे। तो मिटिगेट करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली एलिमिनेट तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिटिगेट करने का मतलब क्या, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क बाय मेकिंग न्यू स्ट्रेटेजीज। बैंक में मिटिगेट क्रेडिट रिस्क बाय ऑफरिंग लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट्स विद शॉर्टर मेच्योरिटीज और विद एनहांस्ड कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक, अगर जैसे बैंक को है कि बैंक को क्रेडिट रिस्क हो सकता है, तो वो क्या करेगा, सारे बोरोअर्स को बोलेगा, सारे बोरोअर्स को तो नहीं, मोस्टली वो ऐसे बोरोअर्स को बोलेगा जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो क्या करेगा कि तुम मुझे हायर इंटरेस्ट रेट दोगे, वो बोरोअर को ऐसा बोलेगा। तो बोरोअर अगर हायर इंटरेस्ट रेट देगा, समझो बैंक को चाहिए 7%, वो 7% के बजाय 10% मांग रहा है, तो ये जो 3% बचेगा, इसका जब कभी अगर अगर इन केस बोरो डिफॉल्ट करता है, तो वो जो डिफॉल्ट की अमाउंट होगी उसमें 3% जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते जा रहे, थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा इसके अंदर से। तो फिर लॉस होने के चांसेस थोड़े कम होंगे, मतलब लॉस तो होगा बट वो थोड़ा कम हो जाएगा। या तो वो क्या बोलेंगे, कोई बोरोअर हुआ इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तो उसको बोलेंगे ठीक है चल तू इंटरेस्ट मत दे ज्यादा, बट व्हाट यू डू इज, आप कोई भी ऐसा होता है ना कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी रख दो साइड में, तो प्रॉपर्टी रख दो साइड में इज नोन एज कोलैटरल। गिरवी रखना बोलते ना, तो वो बोलेंगे कि प्रॉपर्टी को रख दो, तो वो क्या करेंगे, कोई अच्छी क्वालिटी की कोलैटरल को बोलेंगे, जो कोलैटरल की वैल्यू ज्यादा होगी लोन की वैल्यू से। ओके, तो इन केस कभी डिफॉल्ट किया तो कोलेटरल बेच देंगे और पूरा का पूरा प्रॉफिट, जो भी उनका लोन की वैल्यू है वो तो मिल जाएगी, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट होगा, ये कोलेटरल की वैल्यू ज्यादा है तो वो भी हो जाएगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा बट उसमें वो इंटरेस्ट चार्जेस जो भी होने चाहिए वो सब आ जाएंगे। फिर मैन्युफैक्चरर्स माइट मिटिगेट राइजिंग लेबर कॉस्ट, ये एक और एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरर्स लेबर कॉस्ट को कैसे मिटिगेट करेंगे, बाय इन्वेस्टिंग इन ऑटोमेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज माइट इन मिटिगेट राइजिंग फ्यूल कॉस्ट बाय अपग्रेडिंग प्लेन्स ट्रक्स और अदर व्हीकल्स टू मोर फ्यूल एफिशिएंट वर्जन। अब वो क्या करेंगे, जैसे उन्हें लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा लेबर के चार्जेस लग रहे हैं, तो वो कोई ऐसी मशीन्स ले लेंगे या फिर कोई ऐसे ट्रक्स ले लेंगे जो कि मतलब जो कि आजकल बहुत सारी ईवीज चल रही है, सबको पता है, तो ईवीज एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये आधा काम तो कम कर देती है, इसमें कोई भी लेबर वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारा काम ईवी से ही हो जाता है, बस इनका एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए और गाड़ी आपकी चलती रहेगी। तो दे विल शिफ्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रादर देन पुरानी टेक्नोलॉजीज पे रहने से, और लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक बार ये दोनों पढ़ लो, अवॉइड और मिटिगेट करने का, फिर थर्ड पे जाते हैं, और डाउट रहे तो पूछना मुझसे। देखो, दो चीजें कर सकता था बोरोअर, या तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा था तो वो कोलेटरल लेगा अच्छी क्वालिटी का, जिससे इंटरेस्ट रेट और लोन का अमाउंट अगर रीपे नहीं हुआ तो वो भी रिकवर कर ले। तो एक बार हो जाए रीड करके तो मुझे बताना।
मैम ये सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल बता दो वापिस वो वाला। नहीं कौन सा वाला? ये मिटिगेट वाला, बॉरर नहीं वाला? हाँ फॉर एग्जांपल से है ना, देखो सम बिजनेस इज रिटेन ऑपरेटिंग यूनिट्स विथ वेरी अनकनेक्टेड पर्पस, यहाँ से सम बिजनेसेस, ये अवॉइडिंग रिस्क वाला, ये जी इलेक्ट्रिक वाला बोल रहे हो? यही मिटिगेट वाले में बोल रहे हो या फिर अवॉइड वाले में बोल रहे हो? ऊपर वाले में आप जी इलेक्ट्रिक बोले ना। इसमें क्या हो रहा है, मैंने इसका बहुत बेसिक सा बताया। जैसे ये कुछ क्या है, जी करके ना एक कोई कंपनी है, ठीक है? अब इसके पास क्या है, इसके पास है, ये क्या करती है, इसके पास ना फाइनेंशियल सर्विसेज है बिजनेस यूनिट में। तो बिजनेस यूनिट के जो फाइनेंशियल सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं ना, इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग। अब ये बिजनेस यूनिट में जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं ना, इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क हो रही है, रिस्क हो रही है, और प्लस उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये लोग ये रिस्क को और ये लोग इस रिस्क को कम नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या करेंगे इस रिस्क को कम करने के लिए? उन लोगों ने क्या किया है, इसको ना कोई और बिजनेस को, कोई और ही बिजनेस है, समझो कोई और ए बी लिमिटेड है, तो इसने उस ए बी लिमिटेड को ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उसे सेल कर दिए वाली फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब बिजनेस सेल कर दिया गया, बिजनेस नहीं सेल किया, पूरा बिजनेस नहीं सेल किया, जो फाइनेंशियल बिजनेस सर्विस का। यूनिट के जो जो बिजनेस यूनिट है ना, उन सबके पास अलग अलग यूनिट होते हैं ना, तो बिजनेस यूनिट में जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी ना, जिसकी वजह से उनके रिस्क आ रही थी और उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, सिर्फ वो वाला पार्ट सेल किया, पूरा बिजनेस थोड़ी सेल कर दिया। ठीक। और हाँ, ये कौन, ये लाइक से पहले ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? किसका? लाइक से पहले वर्ड ना है कॉन लाइक से, ग्लोबलेट्स। अरे कॉन्ग्लोमरेट मतलब देखो, बहुत सारे एक साथ बिजनेस मिलके एक बड़ा बिजनेस बनता है ना, उसे मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिला के एक बड़ा सा ग्रुप बनाना, उसे ये जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं। समझ में आया? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। चले आगे, सबका हो गया? देखो अभी थर्ड क्या, अभी थर्ड नहीं, फोर्थ क्या है, रिस्क को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर हम दो तरीके से कर सकते हैं, पूरे पूरे हमारे करिकुलम में हमने दो तरीके बताए। या तो आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो, या तो आप डेरिवेटिव में एंटर कर सकते हो। डेरिवेटिव में एंटर करना इन द सेंस हेजिंग करना, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जस्ट हेज करना। आप या तो क्या करोगे, आपके पास कोई रिस्क है, आपके बिजनेस के पास कोई रिस्क है, बिजनेस नहीं बोलती हूँ मैं, कोई शॉप ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई छोटी चीज होगी तो वो लोगों के पास इतना कॉस्ट नहीं होगा, कि वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो लोग इतनी बड़ी रिस्क को लेने के लिए सारी कॉस्ट इकट्ठा कर पाए। तो वो क्या करेंगे, एक कोई शॉप है, उसको फायर होने का डर है, ठीक है? ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी दे रखा है, वापस से देती हूँ। उसको डर है कि हम मेरी शॉप में फायर लग जाएगा, कभी हो सकता है, इसके चांसेस है। तो वो क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, उसे बोलेगा मैं आपको रेगुलर प्रीमियम्स देता रहूंगा, लेकिन कभी अगर मेरी शॉप पे फायर लग जाता है, ठीक है, फायर हिट्स माय शॉप, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पूरा हैंडल करेगी। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि डेरिवेटिव्स में अगर आप एंटर करोगे, ठीक है, ही ऑल्सो हैज वन मोर ऑप्शन कि वो डेरिवेटिव्स में एंटर कर ले। बट डेरिवेटिव्स में क्यों मोस्टली लोग एंटर नहीं करते? पहली बात तो डेरिवेटिव्स कॉस्टली हो जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में एंटर करना है, आप सोचो कि आई विल हेज बाय यूजिंग फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स तो बहुत कॉस्टली, इतने बड़े बड़े लॉट आते हैं एक साथ, दैट इज वेरी कॉस्टली। तो फ्यूचर्स पहली बात तो बहुत कॉस्टली, और दूसरी बात की बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए दे डू नॉट एंटर इनटू डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या है ना, नॉट सेफ। तो मोस्टली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो यही ट्राई करेगी कि अगर उसे ट्रांसफर करना है तो
तो ट्रांसफर करते टाइम दे विल गो टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर इसका कोई जो भी ऑल्टरनेटिव होगा। अब इसके साथ एक और रिस्क आती है, एक और रिस्क क्या हो सकती है मुझे कोई भी बताएगा, जस्ट गेस करो कि इसके साथ और क्या मतलब ये लेने के बाद भी एक रिस्क है, वो क्या रिस्क होगी? इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट कर दे तो? हाँ करेक्ट, अगर जो काउंटर पार्टी है जैसे समझो ये शॉप ने बोला कि ठीक है कभी फायर लगे तो आप देख लेना हैंडल कर लेना इंश्योरेंस कंपनी को, और एंड मोमेंट पे आके इंश्योरेंस कंपनी कुछ कुछ नए नए बहाने लाए। देखा ही होगा आप लोगों ने कहीं पे भी जब भी इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है कि चलो अब ये इवेंट हो गया है, अनसर्टेन इवेंट हो गया है तो नाउ यू पे, तो वो बहुत नखरे करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ वो डॉक्यूमेंट दिखाओ ऐसा वैसा, और कुछ नहीं दिखाते तो दे विल नॉट पे। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क आ जाती है कि वेदर द इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी और नॉट पे मी, इसीलिए यहाँ पे बोला है बिकॉज द फर्म इज रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी टू मेक गुड ऑन द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड इफ रिस्क इवेंट अकर्स। अब अगर इनकेस ये अनसर्टेन जो इवेंट है ये अकर हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं मैं तो भाई सिर्फ 40% पैसे दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं दिखाए, तो जो शॉप शॉप वाला है उसका तो लॉस ही है क्योंकि वो इतने टाइम से इतना प्रीमियम भरते आ रहा है प्लस उसको अभी इस लॉस भी रिकवर नहीं करके दे रहा है। तो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, सॉरी। अब लोगों मेरी हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, हो भी नहीं होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ी है सुधार लूंगी। हाँ ठीक है चलो। इन द रैशनल प्रोसेस द अल्टीमेट डिसीजन शुड बी मेड आफ्टर आफ्टर अ थरो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो डिसीजन लेते हैं कि हमें रिस्क लेनी है नहीं लेनी है, लेनी है तो फिर उसे ट्रांसफर करना है मिटिगेट करना है क्या करना है, तो ये जो डिसीजन है ना ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट एक पूरा प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही लेते हैं, उसके पहले नहीं ऐसे ही नहीं कुछ भी ले लेंगे। दे विल हैव प्रॉपर डिस्कशंस, पूरा सब स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और फिर उसके बाद ये एनालिसिस करेंगे और बाद में ही वो लोग लेंगे। अब जैसे क्या है, अ फर्म माइट कंडक्ट वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस एंड कैलकुलेट देयर रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट टू कॉस्ट $75 मिलियन। अब जैसे कोई कंपनी कोई फर्म है उसने कैलकुलेट किया है कि उसको साइबर थ्रेट होने के चांसेस है और उसकी वजह से $75 मिलियन होने का लॉस हो सकता है, लेकिन इफ दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू देयर कोर बिजनेस, अगर ये उनके कोर बिजनेस से रिलेटेड है तो फिर वो इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला कि कोई रिस्क अगर नोन रिस्क है तो हम उसे तो अवॉइड नहीं करेंगे, अगर कोई अननोन रिस्क है तो वी कैन स्टिल थिंक कि हाँ हम अवॉइड करते हैं। और कोर बिजनेस से रिलेटेड है मतलब अगर हमने ये रिस्क ले ली और रिस्क ले मतलब रिस्क नहीं ली और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो रही है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्या बोलेंगे ठीक है रिस्क ले लेते हैं। तो दे मस्ट डिसाइड हाउ टू एडिक्वेटली रिटेन इट, तो अगर उन्होंने ली तो उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसे कैसे रिटेन करें। द नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन थ्रू परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट्स। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमने रिटेन करी तो उसको हम लोग कैसे अच्छे से करेंगे, क्या हम उसे मिटिगेट करें या फिर हम उसे कोई इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करें, मतलब जैसे भी देखो मिटिगेट करने में क्या होगा ना उस फर्म को खुद के बहुत सारे एक्सपेंसेस यूज करने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करने कर देंगे तो हमारी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। द मेथड विद बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रॉन्गली कंसिडर्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने रिस्क ली है तो वो खुद से तो उसका डिसीजन लेना कि हम मिटिगेट करें या हम ट्रांसफर करें वो डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी को कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक बार रीड कर लो ये वाला पोर्शन, ये रीड करो फिर आगे चलते हैं, ट्रांसफर करना है और ये वाला, और ये नीचे का एग्जांपल लिखना है तो ये भी लिख लो जो भी लिखना है। अभी शायद मैं 7th से मैं क्लास की टाइमिंग चेंज करूंगी क्योंकि मेरी भी जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो
शायद 7 to 8:30 कर दूंगी, चलेगा आप लोगों को? क्योंकि 6 बजे तक होगा मेरा टाइमिंग। कोई और क्लास होती है क्या वो वाली 7 to 13? आई हैव CM1 फिजिकल क्लासेस फ्रॉम 7 to 13, तो वो क्या टाइम पे होगी? हाँ ठीक है ठीक है, बट वो क्या टाइम पे होगी? 6 to 8। फिर उसके बाद तो आई, क्योंकि इवन आई एम माई सेल्फ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CFA Level 1, तो मुझे उसके हिसाब से भी टाइम देखना पड़ता है। आप रिकॉर्डेड देख लेना वो 4-5 दिन, फिर आप कंटिन्यू कर लेना मेरे साथ, चलेगा देवांश? बट रेगुलर देख लेना। मैं 7 to 8:30 लूंगी, बाद में 8 o'clock ज्वाइन कर लेना अगर हो तो। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूंगी क्या करा था, टाइम हो तो। नहीं हो तो फिर जस्ट वॉच रिकॉर्डेड। और रोहित शिवम हर्ष आप लोगों को चलेगा 7 to 8:30 का टाइम? ठीक हाँ मैम, है, ये हो गया रीड करके सबका। समझ में आ रहा है ना ये चैप्टर? थोड़ा सा डिटेल में, अब धीरे धीरे हम लोग डिटेल के अंदर जा रहे हैं, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं हर एक टॉपिक के। ओके ठीक है, 5:40 पे चालू करते हैं। मैम हेलो, हाँ ये लाइन है द नेक्स्ट स्टेप इज डू एक्सेस द कोस्ट, यहाँ से ये इक्विपमेंट तक ये बता दो एक बार। मेरे को भी देखना पड़ेगा कौन से पैराग्राफ में। द ये लास्ट पैराग्राफ में ना द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सेस। नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, अरे इसमें यही है, देखो अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हो और आप प्रीमियम दे रहे हो, तो आप जो प्रीमियम दे रहे हो उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी वजह से आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मतलब हम लोग क्या है ना सब चेक करके लेंगे। देखो मैं एक बार, मैंने क्या बताया कि या तो फर्म मिटिगेट कर सकता है या तो ट्रांसफर कर सकता है। मिटिगेट करने में क्या होगा, हमारी खुद की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमें खुद मैनेज करना है, तो हमारी कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी। अब अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे तो क्या है, हमको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहना पड़ेगा, बट मतलब कैसे होगा, कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। हम क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट देते जाएं, थोड़ा थोड़ा जो भी रहेगा ना प्रीमियम देते रहेंगे, तो एक साथ बहुत सारी कॉस्ट नहीं आएगी। तो यही बोल रहे कि ये करने से हमारी कंपनी को ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, या फिर ये करने से हमारी कंपनी को ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें ये रिस्क भी है ना कि बाद में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा 100% पे ना करे, और यहाँ पे हम ज्यादा पैसे डाल के हो सकता है हमारे 100% बचा ले, सारा का सारा जो भी रिस्क है वो सब बचा ले, इसका मतलब यही हो रहा है। समझ में आया शिवम? यस हाँ चले नेक्स्ट, आगे चले। ठीक चलो।
रिस्क कैपिटाइट रिलेटिव टू रिस्क डिसीजन मेकिंग. अब रिस्क कैपिटाइट क्या होता है? रिस्क कैपिटाइट का मतलब ये है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैं एकदम एक एग्जांपल देती हूँ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा कि हमारी कंपनी को $100 मिलियन का के रिस्क है, ठीक है. अब वो देखेंगे कि हम इस अमाउंट में से कितनी अमाउंट की हमारा बिजनेस नहीं, ये जान तो ये एग्जांपल नहीं रखते. जैसे पहले क्या करेगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेगा कि हमारी जो फर्म है कितना कितना रिस्क ले सकती है, कितनी अमाउंट तक मैक्सिमम हम लोग रिस्क ले सकते हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम $70 मिलियन तक के रिस्क को ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क रिटेन कर सकते हैं. बट वो क्या करेंगे, सेफ साइड चल के वो बोलेंगे हम $60 मिलियन रखते हैं, क्योंकि 10% का ना हम स्पेस रखेंगे. 10% नहीं, $10 मिलियन की हम स्पेस रखेंगे. तो वो क्या करेंगे, 60 मिलियन तक की ही रिस्क को रिटेन करेंगे हर बार. ये ऐसे क्यों सेफ साइड खेलेंगे वो लोग? और ये जो 60 मिलियन उन लोगों ने डिसाइड किया ना, इसे हम लोग बोलते हैं हमारी रिस्क कैपिटाइट. ठीक है, और ऐसे स्पेस हमेशा रखते वो लोग सेफ साइड में रहने के लिए, हमेशा ना इतना रखते खाली स्पेस की, ठीक है, कभी हमारा कभी कुछ अनसर्टेनिटी हो गई और हम नहीं संभाल पाए तो वो इतना रखते हमेशा. अभी इसमें ना यहाँ पे देखो 5-step रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है. अभी सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, रिस्क कैपिटाइट आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे फर्म ने आइडेंटिफाई कर ली अभी कि हम 60 मिलियन तक की कोई रिस्क है, $60 मिलियन तक, तो हम उसे रिटेन कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, मैप नोन रिस्क करेंगे. मैपिंग करने का पूरा आगे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे बताती हूँ. मैप करना मतलब कैसे कि वो देखेंगे कि हमारे हमने जैसे 60 मिलियन की रिस्क ले सकते हैं, तो ये 60 मिलियन में हम कौन कौन से रिस्क ले सकते हैं. ऐसा हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क रिटेन कर सकते हैं, मार्केट रिस्क रिटेन कर सकते हैं, हो सकता है क्रेडिट रिस्क को ना बोल दे कि वी कांट रिटेन क्रेडिट रिस्क, क्योंकि क्रेडिट रिस्क अगर लेंगे तो ये अमाउंट से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा. तो वो वाले रिस्क वो लोग मैप करेंगे जो उन्हें पता है और उन्हें लगता है कि हाँ ये वाले रिस्क अगर होगी तो हम इसे मैनेज कर पाएंगे. देन दे विल ऑपरेशनलाइज, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर. ये तीनों अभी हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिटेल में करेंगे. सबसे पहले रिस्क कैपिटाइट बताती हूँ. ये मतलब इसका इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हमने जैसे रिस्क डिसाइड कर ली तो हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा प्लान करेंगे उसे, और फिर उसके बाद वो प्लान को पूरा मॉनिटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे. जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा, मतलब पिछली बुक में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे था ना कि हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर स्ट्रेटेजी को मॉनिटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे प्लान. ये वही चीज है, बट इसको थोड़ा डिटेल में बाद में हम सीखेंगे. अभी सबसे पहले रिस्क कैपिटाइट. रिस्क कैपिटाइट रेफर्स टू द लेवल ऑफ द रिस्क दैट फर्म इज विलिंग टू रिटेन. जो हमने यहाँ पे देखा ना कि $60 मिलियन तो फर्म चाह ही रहा है, कितनी अगर रिस्क है तो आई विल रिटेन ऑन माई ओन. तो वो ये विलिंगनेस बताता है कि फर्म कितना कितना चाहती है कि मैं इस अमाउंट तक हमारी रिस्क को ले सकते हैं. तो इसमें क्या है ना, दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है रिस्क विलिंगनेस और दूसरा है रिस्क एबिलिटी. अब रिस्क विलिंगनेस क्या है, देखो फर्म ने यहाँ पे देख लिया. अब जैसे समझो फर्म ने देखा कि मैं 60 मिलियन तक रिस्क रिटेन कर सकता हूँ. अब फर्म ने क्या सोचा, जैसे फर्म है, फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि कोई नहीं, मैं तो 100 मिलियन तक रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है. वो इतना चाहता है, चाहता है वो, हम बोलेंगे विलिंगनेस. बट उसकी एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी तो $60 मिलियन तक की है ना. तो ये जो रियलिटी है ना, वो उसे हम लोग बोलते हैं रिस्क एबिलिटी. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. विलिंगनेस तो कुछ भी हो सकता है, मैं भी चाह सकती हूँ कि मैं CFA पूरा बन के तीनों के तीनों लेवल क्लियर कर दूं, लेकिन एबिलिटी तो तभी आएगी ना व्हेन आई विल स्टडी प्रॉपरली. सेम अप्लाइज टू यू ऑल ऑल्सो, कि सब लोग विलिंगनेस तो सबको है कि मैं दोनों लेवल्स FRM के क्लियर कर दूं, लेकिन अगर रेगुलर यू विल नॉट स्टडी तो फिर ये जो एबिलिटी है खत्म हो जाएगी आप लोगों की.
समझ में आया रिस्क, विलिंगनेस, रिस्क कैपेबिलिटी अच्छे से, इसलिए आई एम टेलिंग स्टडी रेगुलरली। आज भी सुबह सर ने बोला ना, किसने क्लास अटेंड नहीं करी थी, क्यों किसी ने सुबह क्लास अटेंड नहीं करी थी? बताओ। कोई मेरा आंसर तो मेरा अटेम्प्ट है, तो मेरे को तो बोले बुक वन बुक टू करो अभी। तो सारी बुक, तो फिर सारे लेक्चर नहीं अटेंड करते हो आप लोग? हम तो अभी लाइक लास्ट वीक तो ज्वाइन किया है। हाँ अच्छा, तो आज सुबह वाला नहीं अटेंड किया। देवांश, आप लोग, देवांश तुमने क्यों अटेंड नहीं किया था? ग्रुप में तो लेते हैं ना ये लोग, एक बार पूछ लो सब लोग कि क्या क्या टाइमिंग पे कौन कौन से लेक्चर होते हैं, उस हिसाब से अगर तुम लोग फ्री हो तो वो अटेंड कर लिया करो। सर ने ऐड नहीं किया अभी तक, आई थिंक ऐड कर दिया होगा। मैं आज प्रवीण सर को मैं खुद बोलती हूँ, ऐड कर देंगे। ठीक है, बट रेगुलरली ज्वाइन करो। ठीक है, नवंबर अटेम्प्ट वाले रोहित एंड शिवम, आप लोग तो सिंसियरली एकदम रोज ज्वाइन करना। शिवम ज्वाइन करी थी आपने? अच्छा ठीक है, पहले कहीं नहीं हुआ है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया, ठीक है अभी हम डिस्कस करते हैं। रिस्क विलिंगनेस रिलेट्स टू फर्म्स डिजायर टू एक्सेप्ट रिस्क इन परस्यूट ऑफ बिजनेस गोल्स। ठीक है, रिस्क विलिंगनेस का मतलब ये हुआ कि बिजनेस गोल्स के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स क्या चाहते हैं कि हम कितनी रिस्क ले, और रिस्क एबिलिटी के आई कैन पुट अ कैप ऑन रिस्क विलिंगनेस। पुट अ कैप मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहता है कि मैं 100 मिलियन लूँ, लेकिन ये जो रिस्क एबिलिटी ने, ये जो रिस्क एबिलिटी है इसने इसे कम कर दिया। तो उसने क्या किया, 100 मिलियन था, 100 मिलियन पे समझो यहाँ पे 100 मिलियन, तो इसने इसको कैप कर दिया 60 मिलियन पे। 60 मिलियन पे मतलब हम 60 मिलियन के ऊपर रिस्क लेने के लिए केपेबल ही नहीं है, इसे बोलते हैं कैप कर देना। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिड्यूस रिस्क एबिलिटी फॉर आर इंटरनल रिस्क कंट्रोल्स और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। इंटरनल रिस्क कंट्रोल्स कौन से रिस्क आती है, कौन से रिस्क बताता है? ऑपरेशनल रिस्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक किसकी होती है इस तरह की चीजें करने में? तो सबसे ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिड्यूस्ड रिस्क एबिलिटी, तो अगर किसी फर्म की एबिलिटी कम है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ होगा ये ऑपरेशनल रिस्क का, या तो फिर रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स का। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट मतलब जो हमने देखा था कि कोई टैक्स लॉस कुछ भी एकदम से चेंज हो गए, तो मे भी उनकी रिस्क एबिलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू हैव अ लेवरेज रेशियो बिलो 3%। मतलब उनको 3% से बिलो तो वो ले ही नहीं सकते। हो सकता है कि फर्म चाहते हो कि मुझे सिर्फ 2% चाहिए, लेकिन वो 2% लेकिन उनको हो सकता है कि उनको 3% तक तो लेना ही है, 3% के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन 3% तक तो एक बैंक को लेवरेज लेना ही है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। एक्चुअल रिस्क लेवल शुड बी सेट बिलो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ये मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 70 तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रिस्क लेगा क्या कि 70 मिलियन पे ही कैप कर दे? वो थोड़ा सा तो स्पेस रखेगा। तो ये जो स्पेस होते हैं ना, इसको यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस ओनली, कि वो हमेशा यही चाहेंगे कि 70 मिलियन है, तो वो $70 70 मिलियन नहीं रखेंगे, वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 60 मिलियन करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखा है, देर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल फॉर एरर। ये टर्म याद रखना, ये स्पेस क्यों रखते ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा एक कोई एरर होने की चांसेस है, जिसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ जाए थोड़ा सा, और हम इतनी ज्यादा रिस्क रिटेन ना कर पाए। इफ अ फर्म हैज टोटल रिस्क कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन, जैसे कोई फर्म है $200 200 मिलियन की कैपेसिटी है, और सीनियर रिस्क मैनेजमेंट हैज सेट अ रिस्क एपेटाइट फॉर अ लेसर अमाउंट, तो सीनियर रिस्क मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे,
170 मिलियन पे कैप कर देंगे, ठीक है। और ये जो 30 मिलियन है ना, ये हम मार्जिनल बचा के रखेंगे। जो लीव अ मार्जिन ऑफ एरर एंड एक्सेप्ट सम रिस्क लेवल दैट इज मार्जिनली बिलो दैट अमाउंट। यहाँ पे देखो डायग्राम भी दिया है, इनकी टोटल टोटल कैपेसिटी है कि वो 200 तक ले पाए, और इंटरनली सीनियर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 170 तक रखते हैं। लेकिन जब बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची ना, तो उन्होंने 170 को भी कम करके 150 कर लिया, और एक्चुअली उन्होंने सिर्फ 150 एक्सेप्ट करी। तो मतलब उन्होंने $50 मिलियन का अभी भी मार्जिन ऑफ एरर रख रखा है, ठीक है। वो लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक एग्जाम्पल बना देंगे और बोलेंगे कि फर्म फर्म की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना इतनी रिस्क रिटेन कर सकता है, ये उसकी रिस्क एबिलिटी है, और उसने रिटेन करी है, और उसने रिस्क रिटेन कर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा है कि वो रिटेन करेगा 170 मिलियन तक। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा, 30 मिलियन जो है ना, ये मार्जिन ऑफ एरर होगा। ऐसे ही वो लोग कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिस्क विलिंगनेस और रिस्क एबिलिटी में भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो एमसीक्यू में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार रीड करो ये पूरा। कहाँ से, यहाँ से रीड करना बचा होगा ना, आई थिंक ये कुछ भी रीड नहीं किया है ना, कि करा है कुछ। तो ये पूरा रीड कर लो एक बार ये डायग्राम तक, मैं 5 मिनट्स देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे एक बार। ये रीड करते हो ना आप लोग सब घर पे जाके, वैसे तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक बार रीड करने का मौका पूरा, बट स्टिल घर पे टाइम मिलता है तो एक बार करना। मैं तो क्लास में ही ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ हो जाए, बट थोड़ा टाइम निकाल के क्वेश्चंस वगैरह आप खुद प्रैक्टिस करना। चलो लेट अस स्टार्ट। हो गया, ये डायग्राम सबने लिख लिया है ना जो मैंने बोला है। मैम इफ यू ओनली सॉल्व एनालिसिस रिपीटेड बी इनफ। यस यस, देखो अभी जितना टाइम बचा ना, आपने अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करी है फिर नहीं चालू करी है अभी तक?
तो अभी 1 महीना बचा है ना, तो आई वुड सजेस्ट 60% जो हो गया, 60% हो गया है, 60% कहाँ से किया रोहित? एनालिस्ट प्रेप से ना देखो, अब इतना अगर एनालिस्ट प्रेप से ही किया जो आगे भी एनालिस्ट प्रेप से ही करो, जस्ट इतना ध्यान रखना कि श्वेजर के सारे कंसेप्ट अच्छे से हो जाए, और एनालिस्ट प्रेप इज इनफ। मैं तो एनालिस्ट प्रेप करके गई थी अपने एग्जाम में। एनालिस्ट प्रेप होने के बाद टाइम बचता है, तो फिर वो सारे फोरम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होने चाहिए। एनालिस्ट प्रेप बेसिक है, उसके बाद आप वो फोरम टफ है क्योंकि उसमें बीटी के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं ना शायद से, आई थिंक। देखो एग्जाम में मैं बता देती हूँ पहले, यहाँ पे मैं बताती हूँ एनालिस्ट प्रेप में एग्जाम में क्या होगा ना। एनालिस्ट प्रेप जितने भी इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे, हल्के से एक नॉच हायर होंगे। जब कार्प का पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है, अभी देखो अभी 1 महीना बचा है एग्जाम को, दोनों के एग्जाम की डेट्स बताओ एक बार क्या है। हाँ, जिसका इंस्टीट्यूट, जिसका मेक अटेम्प्ट है, वो तो फोरम से ही प्रैक्टिस करना। और शिवम आपका, आपकी क्या एग्जाम की डेट? 14 या 15 को एग्जाम देने मत जाना, बहुत पहले ही बोल रही हूँ। 13 या 13 के पहले दे दो, पेपर टफ आता है आखिरी के 2 दिन में, ऐसा सब बोलते हैं। तो बेटर है कि पहले 12th तक ही दे दो, आई वुड टू सजेस्ट। 9 से लेके 7 से लेके 12 तक का, जो भी 9 से लेके, आई थिंक 9 से चालू हो रही है, 7 से 12 तक जितना भी होता है उतने में एग्जाम दे दो। ठीक है, 13th को दे दो, और सुबह का टाइम ले लेना, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर सुबह के टाइम पे आप लोग टेंशन टेंशन करोगे और दिन की एग्जाम देने जाओगे, तो इससे बेटर सुबह ही ले लेना। हाँ तो बेटर है, ठीक है शिवम, आप भी 13th या 12th की डेट ले लो। और 13th या 12th तक तो अभी आई थिंक 1 महीना है। सब लोग सिर्फ एनालिस्ट प्रेप सॉल्व करो, और एनालिस्ट प्रेप सॉल्व करने में भी मैं बता देती हूँ, पहले बुक 4 की सॉल्व कर लो, बुक 4 और बुक 2 पहले सॉल्व कर लो अभी। बुक 1 तो मेरे साथ ही कर लोगे, मैं जैसे जैसे एक एक चैप्टर करवाऊंगी कर लेना वो चैप्टर के हिसाब से, लेकिन बुक 4 और बुक 2 के एनालिस्ट प्रेप अभी पहले ये महीने के अंदर 15th तक सॉल्व कर लो, 15 या मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक, क्योंकि यही सबको गड़बड़ आती है, और फिर आखिरी में जाके नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसकी एनालिस्ट प्रेप पहले सॉल्व कर लो, जो 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ है वो सारे मार्क करके रखना, एक एक स्टार करके, और उनको एक बार और प्रैक्टिस करना एग्जाम में जाने से पहले। और गार्ड के 2 मॉक्स कर लेना, एक मॉक मैं खुद करवा दूंगी, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, एक मॉक मैं मोस्टली करवा दूंगी प्रैक्टिस पूरा, लेकिन एक मॉक आप लोग पूरा खुद से बैठ के एग्जाम के सीन, एग्जाम का जो भी टाइम है वो, जो भी आप लोग उस हिसाब से वही टाइम पे बैठ के पूरा एक पेपर प्रैक्टिस कर लेना। तो गार्ड क्यों रीड कर रहे हो, गार्ड कहीं पे रीड करवा रहे हैं आपको? गार्ड से मत जाओ, श्वेजर करो, श्वेजर में जितना जितना है ना सब, श्वेजर अच्छे से कर लो, एनालिस्ट प्रेप अच्छे से कर लो, इसमें कुछ भी मत छोड़ो। कोई चैप्टर अगर स्किप कर रहे हो तो मैं बोलती हूँ 62 में से चलो 4 या 5 चैप्टर स्किप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा कोई चैप्टर स्किप नहीं होना चाहिए। एनालिस्ट प्रेप और श्वेजर के ऊपर जा रहे हो तो 100% जो जो चैप्टर कर रहे हो ना, 100% उसका हर एक क्वेश्चन एनालिस्ट प्रेप में से आपको आना चाहिए, और गार्ब का हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना करके जाओगे ना आराम से जाना, टेंशन फ्री हो जाएगी एग्जाम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो एग्जाम में मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 में से 30-40 ऐसे होंगे जो इजी होंगे एकदम, ठीक है? फिर कुछ 20-20 नहीं, आई थिंक कुछ 30 वापस से समझो जो मॉडरेट होंगे, और 40 ऐसे होंगे ना जो डिफिकल्ट साइड पे जाएंगे। तो ये डिफिकल्ट साइड में जाएंगे ना, इसमें से 20 ऐसे होंगे जो एकदम रैंडम होंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक अपना कोई भी ऑप्शन सुन लेना, कि ऑप्शन मतलब ऐसा समझ के जाना कि मैंने तो सोचा था मैं बी मार्क करूंगी,
तो जो क्वेश्चन एकदम ही लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, कभी भी नहीं देखा हुआ है, बिल्कुल नहीं आता, उन सब पे ऐसे 10 या 20 क्वेश्चन होंगे, सब पे बी मार्क करके आना। तो देखो सबका आंसर तो बी नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस होंगे कि 6 या 7 मार्क्स तो आपके राइट हो जाए, और जो बचे हुए 20 उसमें अपने हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, क्लोज जो आंसर आ रहे उसको टिक करके आना। समझ में आया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? हाँ ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, ठीक है? ये सबको ऐसा लगता है कुछ भी बता रही है ये, लेकिन ये बी वाली स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, मेरे दोनों लेवल निकले बी ये वाली स्ट्रैटेजी से। हाँ 4 घंटे की एग्जाम में हर एक क्वेश्चन, जब एनालिस्ट का भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई करना कि 1.5 मिनट्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसको फ्लैग करना, और फ्लैग करते टाइम कोई भी एक ऑप्शन तो टिक करके ही आगे फ्लैग करना, पता लगा वापस नहीं आ गए तो आपका पूरा क्वेश्चन ही अनअटेम्प्टेड रह जाएगा। तो उसको कुछ अटेम्प्ट करके फ्लैग करना और फिर बाद में आगे बढ़ जाना। ठीक है, मिक्स 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 आएंगे, 100 क्वेश्चन आपको पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दो बुक्स को मर्ज करके आए, वैसे ऐसा लेवल 2 में होता है मोस्टली, लेवल 1 में नहीं होता, बट कोई 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अभी आगे करते, कुछ भी डाउट है यू आस्क मी आफ्टर क्लास, ठीक है? 6:30 के बाद पूछना। चले आगे। हाँ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको अच्छे से करना है, ये गवर्नेंस में भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड टू क्लियरली डिफाइन रिस्क एपेटाइट एंड कम्युनिकेट द पॉलिसी टू स्टेक होल्डर्स इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैनर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये लोग अपनी एक रिस्क एपेटाइट तो बना लेंगे, ठीक है? ये लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें वो लोग मेंशन करेंगे कि हमारे फर्म की कितनी रिस्क एपेटाइट है, ठीक है? और फिर वो लोग ये डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स का तो मेजर राइट है कि कंपनी में क्या चल रहा है वो जानने का, शेयर होल्डर्स का मेजर राइट है। तो वो ये डॉक्यूमेंट ना शेयर होल्डर्स को पास ऑन करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो रिस्क कैपिटाइट है हमने कैसे निकाली। तो इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स होंगे, वो वार लेंगे, वार कैलकुलेशन करेंगे, फिर या तो वो वार कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वार नहीं तो दे कैन इवन यूज सिनेरियो एनालिसिस, या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग मेथडोलॉजीज करके वो लोग एक रिस्क कैपिटाइट फाइनल करेंगे। इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बोला है इन अ क्वांटिटेटिव मैनर और इन अ क्वालिटेटिव मैनर। क्वांटिटेटिव में वार आ जाएगा, क्वालिटेटिव में ERM, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिनेरियो एनालिसिस, ये सब आ जाएगा। अब इसमें क्या है ना, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग विच रिस्क फर्म वॉन्ट्स टू रिटेन, विच रिस्क ईदर टू अवॉइड, मिटिगेट और ट्रांसफर। वो लोग क्या करेंगे, वो इस डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिख देंगे कि हम कौन कौन से रिस्क ऐसी है जो रिटेन करेंगे, कौन कौन से रिस्क ऐसी है जो हम रिटेन नहीं करेंगे तो अवॉइड करेंगे, या तो फिर रिटेन करने या उसे मिटिगेट कैसे करेंगे और ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो वो पूरी स्ट्रेटेजीज वो उस डॉक्यूमेंट पे लिख देंगे, या फिर यूजिंग अ क्वांटिटेटिव मेट्रिक लाइक वार कन्वे द मैक्सिमम लॉस दैट फर्म विल टॉलरेट फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल फॉर गिवन टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहली बात तो ना वार है, वार 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पहला है कॉन्फिडेंस इंटरवल, दूसरा है टाइम पीरियड। इसमें क्या है ना, जैसे वो एक स्टेटमेंट लिख सकता है कि हमारी कंपनी ने ऐसा देखा है कि ऐसा हमारे फर्म ने ऐसा देखा है कि कोई भी एक दिन पे या फिर कोई एक साल पे, समझो एक साल में हमारी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 95-99% चांसेस है कि वी आर नॉट गोइंग टू फेस अ लॉस ऑफ मोर देन $10 मिलियन। ऐसे मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। जगह ही नहीं है,
करते हैं। देखो फर्म क्या बोलेगा, ये 99% है समझो। मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, आप लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ठीक कर दीजिए थोड़ा छोटा। फर्म क्या बोलेगा, 99% चांसेस है कि कंपनी के लॉसेस एक साल में, ये 1 ईयर के लिए बना रहे ठीक है, 1 ईयर के लिए, कि हमारी कंपनी के लॉसेस $100 मिलियन को एक्सीड नहीं करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होगा। और ये हमें किस चीज से मिलेगा, वार से। क्योंकि ये क्लियर है, वार में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम पीरियड, दूसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वो ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे वहां पे, फिर या तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग यूज करेंगे, जिसकी वजह से कंसिडर्स पॉसिबल बट वेरी सीवियरली नेगेटिव सिनेरियोज टू डिटरमाइन लेवल ऑफ लॉसेज। वो क्या करेंगे, नेगेटिव सिनेरियोज बनाएंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसको एक्सट्रीम पे शॉक करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि उसकी वजह से हमारी फर्म को कितनी रिस्क हो सकती है, और जो रिस्क होगी उसे हम रिटेन करेंगे, अवॉइड करेंगे, मिटिगेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, वो रिस्क नोन रिस्क है या अननोन रिस्क है, वो सब चीजें वो बताएंगे। ठीक है, समझ में आया? आ रहा है समझ में? अब ये ध्यान से सुनना, अब एक कंपनी में कौन कौन से लोग होते हैं, या तो एक इक्विटी होल्डर होंगे और एक होंगे डेट होल्डर्स। एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आई थिंक। देखो कोई कंपनी है, कंपनी के पास या तो स्टेक होल्डर्स होंगे। डायग्राम बनाते हैं अपन। कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब या तो इसके पास स्टेक होल्डर्स होंगे, दैट इज जो इक्विटी लेके रखते हैं ठीक है, या तो डेट होल्डर्स होंगे। अब इक्विटी होल्डर्स क्या चाहेंगे, कोई मुझे बताएगा इक्विटी होल्डर्स क्या चाहेगा, कि कंपनी रिस्क ले या कंपनी रिस्क नहीं ले। एक मेजर, एक एकदम माइनर सी बात है कि कंपनी रिस्क ले या नहीं रिस्क ले। स्टेक होल्डर क्या चाहेगा, अगर आप किसी कंपनी के कम ले, कम ले क्यों चाहेगा, स्टेक होल्डर क्यों चाहेगा कम ले। स्टेक होल्डर क्या चाहेगा, स्टेक होल्डर तो यही चाहेगा ना कि कंपनी ज्यादा रिस्क ले। कंपनी अगर ज्यादा रिस्क लेगी तो कंपनी को ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, ज्यादा रिटर्न आएंगे तो उनका जो स्टॉक की वैल्यू है वो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आया? प्राइस पढ़े और डिविडेंड दे, करेक्ट। कुछ भी करे नहीं, क्योंकि देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में ना एक नेचुरल ट्रेड ऑफ होता है। अगर हम ज्यादा रिस्क लेते तो हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए कंपनी क्या चाहेगी कि हमारे, इसलिए कंपनी हमेशा यही चाहेगी कि हमारे पास, कि वो ज्यादा रिस्क ले जिसकी वजह से उसे रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है, कंपनी ना स्टेक होल्डर्स यही चाहेंगे। और डेट होल्डर क्या चाहेगा, डेट होल्डर को क्या है ना, उसको एक मिनिमम अमाउंट हमेशा मिलती रहती है, उसको एक, उसने जो भी डेट दिया उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी देती रहती है। तो डेट होल्डर क्या चाहेगा, कंपनी कि रेप्यूटेशन पहली बात तो गिरे नहीं, क्योंकि रेप्यूटेशन गिरेगी तो हो सकता है उसकी रेटिंग गिर जाए, रेटिंग गिरेगी तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो सकती है कंपनी की, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट्स उसे अपने डेट होल्डर्स को करना है वो टाइमली नहीं होगा। ओके, वो टाइमली नहीं होगा ना, इसलिए ये क्या चाहेगा, अगर बट ये सिचुएशंस कब आएगी, जैसे कंपनी ने ज्यादा रिस्क ले ली और सिचुएशन रिवर्स हो गई और कंपनी लॉस में चली गई ज्यादा रिस्क लेने की वजह से,
ज्यादा रिस्क लेते ना तो लॉस भी ज्यादा ही होता है, जैसे प्रॉफिट ज्यादा होता है ना वैसे लॉस भी ज्यादा होता है एक साथ, और लॉस होने की वजह से ये सब सिचुएशन बन सकती है। इसलिए डेट होल्डर्स हमेशा क्या चाहेंगे कि कंपनी ज्यादा रिस्क नहीं ले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा इस चीज के बीच में कंफ्यूज रहेगा कि स्टेक होल्डर्स की सुने या डेट होल्डर्स की सुने। सो ऑलवेज लाइक अ हस्बैंड की वाइफ की सुने या मम्मी की सुने, ठीक है? ओके, ये एग्जांपल याद रखना, अब याद रहेगा। अ प्रॉब्लमेटिक इश्यू फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिटरमाइनिंग द फर्म्स रिस्क एपेटाइट। अब वो जो रिस्क एपेटाइट है ना कि ज्यादा रिस्क ले या कम रिस्क ले, तो वो हमेशा एक बीच का अमाउंट डिसाइड करेगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मेजर स्टेक होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स, तो वो क्या हमेशा इन दो चीजों के बीच में फंसा रहेगा। डेट होल्डर्स वुड लाइक टू बी मोर कंसर्न्ड विद मिनिमाइजिंग ऑल रिस्क बिकॉज देयर अपसाइड डाउन पोटेंशियल इज जनरली लिमिटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। उनको सिर्फ यही है, उनको सिर्फ एक ही काम है कि जितना इंटरेस्ट मेरा आना चाहिए वो इंटरेस्ट आ जाए टाइम पे, और डेट होल्डर को कोई मतलब नहीं है कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना डिविडेंड आ रहा है, डेट होल्डर इज नॉट वरी डेट ऑल। और ये जो जो स्टेक होल्डर है उसको ये सब चीजों का प्रॉफिट मिलता है कि स्टॉक ज्यादा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो बोनस देने के चांसेस है, डिविडेंड देने के चांसेस है, ये सब चीजों से कुछ भी डेट होल्डर को मतलब नहीं है। समझ में आया ये एग्जाम्पल? ठीक है, द बोर्ड मस्ट एंश्योर दैट इट गोल दैट इट्स गोल आर स्टेटेड इन अ क्लियर एंड एक्शनेबल मैनर। मतलब एक डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए प्रॉपरली, जिससे दोनों स्टेक होल्डर्स, डेट होल्डर्स या फिर कोई भी आउटसाइडर है उसे कंपनी के बारे में पता चले कि कंपनी कितनी, कंपनी के गोल्स क्या है। तो इसलिए ये सब मेंशन होना एक डॉक्यूमेंट में इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कम्युनिकेशन यूजुअली टेक्स टू फॉर्म्स, द फर्स्ट इज ब्रॉड स्टेटमेंट और दूसरा होता है डिटेल स्टेटमेंट। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन की देखो ब्रॉड स्टेटमेंट क्या होता है ना, एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन माइट स्टेट वी विल मेंटेन अ मॉडरेट रिस्क एपेटाइट फॉर मार्केट वोलेटिलिटी बट प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड क्रेडिट रिस्क। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बाहर जैसे कोई वेबसाइट देख रहा है या फिर कोई भी आउटसाइडर है, तो उसके लिए ना वो लोग जस्ट एक ब्रॉड सा स्टेटमेंट रखते हैं कि कंपनी के क्या गोल्स है, बस उसको ऐसे बाहर से पता चल जाए। और एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। अब ये डिटेल स्टेटमेंट हम किसको देंगे, जो कंपनी के अंदर है, जो कंपनी का सब ऊपर नीचे सब कुछ देखते हैं प्रॉपर की कंपनी क्या कर रही है उसे, इसलिए हम लोग उन्हें डिटेल स्टेटमेंट देंगे। तो डिटेल स्टेटमेंट में क्या, हम स्पेसिफिकली हर एक रिस्क के बारे में बताएंगे कि ऑपरेशनल रिस्क में क्या चल रहा है, क्रेडिट रिस्क में क्या चल रहा है, क्या हेजिंग स्ट्रेटेजीज है, वो लोग हर एक चीज बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, रीड इट लेटर, बट मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि वॉट इज ब्रॉड स्टेटमेंट एंड वॉट इज डिटेल स्टेटमेंट। इसका एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इजी एमसीक्यू आएगा अगर आया भी तो। ये लो, ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये कंपनी हमेशा इन्वेस्टर को देगी या फिर जिन जो भी उनके क्लाइंट्स है जिनके साथ वो डील करते हैं, तो जो भी उनके क्लाइंट्स है जिसके साथ कंपनी डील कर रही है। ठीक है, एक बार ये रीड कर लो पूरा पोर्शन, ये ड्रॉ करना है आप लोगों को तो ड्रॉ कर लो, करना है किसी को ड्रॉ ये, अदरवाइज मैं डॉक्यूमेंट तो शेयर कर ही दूंगी बाद में। हाँ वो आएगा, बट वो गवर्नेंस वाले चैप्टर में आएगा या फिर इसी में आएगा, आई वॉन्ट टू सी, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, बट वो होता तो है, हमने पिछले चैप्टर में देखा ना। ये ड्रॉ करना है आप लोगों को या फिर बाद में कर लोगे, रीड कर लेना अभी बस। ठीक है, तो अभी जस्ट रीड कर लो एक बार अच्छे से। आई एम गिविंग यू
18 तक टाइम लो, एक बार ये रीड कर लो, डाउट है तो पूछो कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, हो गया पढ़ के, फिर अभी रीड कर रहे हो? ठीक है शिवम, हो जाए तो बताना मुझे। ओके ठीक है, चलो चले आगे। ये बाद में मैं शेयर कर दूंगी आज, फिर आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या ना, इन लोगों ने बताया कि देर आर सेवरल कॉम्प्लेक्सिटीज दैट बोर्ड में नीड टू कंसिडर। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो उनको ना, ये जब वो लोग रिस्क एपिटाइट बनाते हैं ना, तो ये सब डॉक्यूमेंट पूरा ये जो बनाते हैं ना, वो बनाते टाइम इनको क्या क्या सोचना पड़ सकता है। तो पहला है यूनिटी ऑफ रिस्क एपिटाइट, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी। मैं तो अभी इन डिटेल ही बताऊंगी, बट इसको एकदम अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ दे डोंट आस्क इन एग्जाम। जस्ट ये वाली जो लाइन है ना, ये याद रख लेना तो काफी होगा, और जो भी इसका बेसिक मतलब है उतना याद रख लेना। तो पहला यूनिटी ऑफ रिस्क एपेटाइट, डू द डिफरेंट रिस्क टाइप्स जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब जो भी रिस्क है, इन सब के रिस्क एपेटाइट डिफरेंट हो गया। अब क्या हो सके, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मार्केट रिस्क है, तो हो सकता है कि मार्केट रिस्क के रिस्क एपेटाइट हो कि वो सिर्फ $10 million तक के रिस्क ले पाए। अब कोई क्रेडिट और ऑपरेशनल हुआ तो उनका कुछ और अमाउंट होगा, उनका हो सकता है डॉलर, दोनों का मिला के $70 million जितनी वो रिस्क ले पाए। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एपेटाइट्स होगी, या मैंने नीचे एग्जांपल भी ले रखे सबके, एक 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 साथ करके लिया। ये मैं इरेज कर देती हूँ कुछ तो, आई थिंक। देखो पहला क्या है, बैंक माइट हैव अ डिफरेंट रिस्क एपेटाइट फॉर क्रेडिट रिस्क देन ऑपरेशनल रिस्क। इसका यही मैं मतलब हुआ कि क्रेडिट रिस्क का हो सकता है कि कुछ और रिस्क एपेटाइट के अमाउंट उन्होंने डिसाइड करी, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए कुछ और डिसाइड करी हो। ठीक है, अब सेकंड है अपना एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, इज देयर अ टाइप ऑफ रिस्क दैट कुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज इफ मोर रिस्क इज अज्यूम्ड देन अदर कैटेगरीज। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्म क्या करेगा, कोई ऐसी रिस्क है ना
वो ऐसे रिस्क लेगा जो दूसरी कंपनीज नहीं ले रही है, तो दूसरी कंपनीज को कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी कि ये वाले फॉर्म तो ले रहा है लेकिन हम नहीं ले रहे, तो लोगों को फॉर्म की अच्छी रेपुटेशन भी जाएगी इसकी वजह से. जैसे कोई टेक्निकल फॉर्म है, मे एक्सेप्ट हायर साइबर सिक्योरिटी रिस्क टू कैप्चर अ कॉम्पिटेटिव एज इन इमर्जिंग मार्केट्स. अब हर कोई तो आजकल हर साइबर सिक्योरिटी के रिस्क बहुत ज्यादा, मतलब साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हर कंपनी को है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सब लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए एकदम अच्छे से पूरा स्ट्रेटेजी बना के रखे. तो कोई कंपनी हो सकता है कि उसके लिए ज्यादा ज्यादा एफर्ट्स कर रही हो, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजीज बना रही हो, तो जो दूसरी उसकी कॉम्पिटेटिव कंपनीज है उनको ज्यादा कॉम्पिटेटिव एज मिलती है इसकी वजह से, और इनका रेप्यूटेशन भी अच्छी रहेगी. देन तीसरा है लेयर्स ऑफ कोरिलेटेड रिस्क. कोरिलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगी, हर्ष बताओ कोरिलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? दो रिस्क आपस में रिलेटेड हो. हाँ करेक्ट. Does an operating unit expose the enterprise to more than one type of risk in which the risk might be highly correlated, like operations of a foreign subsidiary could have operational and foreign currency risk that move in lockstep. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता है कि हर एक फॉर्म के बहुत सारे अलग अलग कि हर एक फॉर्म के पास correlated risks हो. जैसे यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि हो सकता है ऑपरेशनल के साथ साथ फॉरेन करेंसी रिस्क भी आ जाए, तो कंपनी मे नीड टू पिक विच रिस्क टू हेज एंड विच टू एक्सेप्ट. अब जैसे इनके पास दो रिस्क आ गई एक साथ, तो इनको कौन से रिस्क को एक्सेप्ट करना है, और रिस्क को एक्सेप्ट करने के बाद जो जो दूसरे रिस्क को लीड कर रहा है उसको भी देखो. जैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऑपरेशनल रिस्क लेंगे, तो ऑपरेशनल के साथ साथ फॉरेन भी आएगी, तो हम इन दोनों को कैसे हेज करेंगे. और वो चेक करेंगे कि अगर वो ये भी सोच सकते हैं कि जाने दो ऑपरेशनल नहीं लेते, ऑपरेशनल नहीं लेंगे तो साथ साथ में फॉरेन वाली भी नहीं आएगी, तो दे हैव टू टेक अ डिसीजन कि वो उन्हें वो रिस्क लेनी है और लेनी है तो उससे ज्यादा उन दोनों रिस्क को कैसे हेज करना है. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, वो फॉरेन सब्सिडियरी के साथ सेम ही एग्जाम्पल ले रखा है मैंने भी, उसको करेंसी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क दोनों आ रही है, तो वो क्या रिस्क को एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करने के बाद हेज कैसे करना है. सेम ही एग्जांपल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है. अब ये टाइम होराइजन वाला पॉइंट है, यह आपको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आगे जाओगे ना तो नेक्स्ट चैप्टर्स में धीरे धीरे प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है. अब फॉर्म को क्या है ना, फॉर्म को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म की वो हेजिंग शॉर्ट टर्म करे, या फिर कि वो जो हेजिंग है वो शॉर्ट टर्म रिस्क के लिए करे या लॉन्ग टर्म रिस्क के लिए करे. क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म रिस्क के लिए करेगा ना, तो उसके सॉरी लॉन्ग टर्म रिस्क के लिए अगर हेज कर देगा, तो फिर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है ना वो नहीं मिलेंगे फर्म को. तो वो अगर अगर फर्म को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए तो फर्म क्या करेगा, लॉन्ग टर्म हेजिंग को लॉन्ग टर्म रिस्क को हेज नहीं करेगा. ये याद रखना अभी के लिए, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसमें जस्ट इतना ही याद रखने की जरूरत है, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क लिमिट टॉलरेंसेस. अब क्या है, हर एक फर्म को रिस्क एपेटाइट बनाते वक्त सोचना ही पड़ेगा कि वो कितने अमाउंट तक के रिस्क लेना चाहता है, तो उसको एक रिस्क लिमिट टॉलरेंस बैंड बनाना पड़ेगा. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 60 मिलियन के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तो ये एक बैंड हो गया. बैंड को हम कैप भी बोलते हैं, हमने वहां पे पढ़ा था. दे विल प्रोवाइड मैनेजर्स विद सम अपॉर्चुनिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल आल्सो क्लियरली कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशंस. समझ में आया ये वाला चीज तो आई थिंक आप लोगों को रिलेट हो गई होगी कि 60 मिलियन तक ठीक है, वो फॉर मैनेजर्स फ्लेक्सिबल है कि हाँ तक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इतने रिस्क तक हम ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं ले पाएंगे. आ रहा है समझ में सबको? ठीक है. रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट तो सबको ही पता है कि अगर हमने रिस्क ली तो उसकी वजह से हमारी फर्म पे क्या कि हमारी फर्म की रेप्यूटेशन कैसी रहेगी. अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई फर्म है वो एनवायरमेंट मेजर्स ले रही है, ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्क को
कम करने के लिए मेजर्स ले दिए। हाँ अब जो स्टेक होल्डर्स है, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेक होल्डर्स को ये बात अच्छी लगे, अगर उनको अच्छी लगे तो उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की। अब हो सकता है स्टेक होल्डर्स इसके प्रेफरेंस में ना होने लगे कि ये क्या फालतू की चीज है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज क्लाइमेट रिस्क, व्हाट इज एनवायरमेंटल रिस्क, तो वो तो बोल देंगे कि ये क्या रिस्क है, व्हाई आर यू टेकिंग केयर ऑफ सच काइंड ऑफ रिस्क। आज की तारीख में सबको नहीं पता है कि व्हाट इज दिस, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, उनकी रेप्यूटेशन नीचे भी आ सकती है, क्योंकि नॉट एवरी वन इज वेरी मच अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ रिस्क। तो वो बोलेंगे पैसा वेस्ट कर रही है, इसमें स्टेक होल्डर का भी पैसा लगा हुआ रहता है, तो दे विल फील लाइक कि कंपनी इज वेस्टिंग द मनी। और उसके बाद एक आता है रिस्क मेजरमेंट, कि रिस्क को कैसे मेजर करेंगे एंटरप्राइज लेवल पे। एआरएम याद है ना कि डिपार्टमेंट्स में नहीं हम लोग रिस्क को मेजर करते, रिस्क को हमेशा एट अ कंपनी लेवल पूरा हम लोग मेजर करते। यहाँ पे लिखा भी है इन रीडिंग वर्ल्ड इट वाज एस्टेब्लिश दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस रिस्क मैनेजमेंट टू सिंगल वैल्यू एट एट फर्म लेवल वार। अब इसमें क्या ये लोग बोल रहे हैं कि वार से, कि अगर हम लोग वार को यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पता चलती है। ये तो मैं कब से समझाती आ रही हूँ आप लोगों को, इसलिए थ्रेशोल्ड, इसलिए वार का मेथड वो लोग यूज नहीं करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि कंपनी और भी दूसरे दूसरे मेथड यूज करे, जैसे कि दे विल थिंक कि कंपनी को सिनेरियो एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मोंटे कार्लो सिमुलेशन हो गया, वो करो, बूटस्ट्रैपिंग करो, देर आर मेनी मेथड्स, स्ट्रेस टेस्टिंग करो, लेकिन जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वार। तो इसमें क्या है ना, मेजरमेंट के बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है दैट अ कंपनी कैन यूज। तो ये सातों के सातों पॉइंट एक बार पढ़ लो, फिर रिस्क मैपिंग अपन नेक्स्ट क्लास ही चालू करते, अभी इतना पढ़ लो सब। और नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दिए, मैं एक बार वो वाला पेज भी खोल दूंगी, वो भी एक बार रीड कर लेना ये वाला करने के बाद, या फिर मेरे साथ ही देख लेना एक बार। हो जाए रीड करके तो मुझे बोलना, अपन आगे चलते हैं फिर। नहीं कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे रिस्क मैपिंग। आगे मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, वो एग्जांपल आप लोग घर से पढ़ोगे या फिर यू वांट कि मैं अभी दिखा दूँ अभी क्लास के अंदर ही, जैसे सब लोग बोलो, या तो अभी करो या तो फिर कल एक बार रीड कर लेंगे, जैसे भी आप लोग बोलो। ओके ठीक है, कल एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगी, थोड़े से पॉइंट्स एक बार मैं क्लास में ही पढ़ा दूंगी अच्छे से, जिससे याद रहे, क्योंकि ये क्या नहीं सब छोटे छोटे पॉइंट है, बोर हो जाओगे रीड करते करते घर पे। ठीक एक बार पढ़ो, कुछ डाउट रहता है तो पूछो।
हो गया रीड करके सबका। डू कंपनी देन हेज फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अरे वो डिपेंड करता है देखो कंपनी के पास क्या 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 उनके पास पड़ी इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से डिपेंड करता है उनपे कि वो शॉर्ट टर्म में हेज करेंगे या फिर, क्योंकि देखो कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हेज करे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कोई छोटी कंपनी है तो उसको अपने प्रॉफिट ज्यादा वैल्यूएबल होंगे तो वो चाहेगा ना कि वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इज गुड अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रेटिंग, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इज गुड, हमेशा वही कंपनीज को अच्छी रेटिंग मिलती है जो काफी टाइम से दे आर नॉट, मतलब जिनकी बहुत टाइम से अच्छी अच्छी उनको प्रॉफिट हो रहे हो उनको ही हम लोग हमेशा अच्छी रेटिंग देंगे। ट्रिपल ए रेटिंग कंपनी देखना, उनको बहुत टाइम से प्रॉफिट हो रहा होता है इसलिए उनको ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है। तो ऐसा कुछ तो नहीं डिफाइन होता कि रेटिंग के हिसाब की शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट डिफाइन करते कि रेटिंग कैसी है। हो गया रीड, हो गया सबका। शिवम रीडिंग हो गई, कुछ डाउट है? देवांश, यश, किसी को भी डाउट है कुछ? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है? मैं ये डॉक्यूमेंट स्टिल शेयर कर दूंगी, इसमें मैंने ना छोटे छोटे से दो दो लाइन के एग्जांपल एक बार कल रीड कर लेना, ये थर्ड तक तो मैंने करा ही दिए, सिर्फ चार ही बचे, एक बार रीड कर लेना। और कल के लेक्चर में आने से पहले सब लोग चैप्टर वन के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके आना, या फिर मैक्सिमम तक कल तक और टाइम देती हूँ, परसों तक सब सॉल्व हो जाना चाहिए, और जो भी डाउट है आस्क मी, ठीक है? हाँ एनालिस्ट प्रेप के कर लेना, एनालिस्ट प्रेप के तो बहुत ही सिंपल है बट स्टिल। और देवांश और जिनका भी मे का अटेम्प्ट है ना वो लोग तो फोरम के भी अटेम्प्ट करना सारे, ठीक है देवांश? सॉल्व हो गए, गुड देवान, चुके फाइन, ठीक है चलो एंड करें क्लास अभी। कुछ और डाउट है, कुछ भी है? ओके बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। ओके शिवम, ठीक है।